नेक्स्ट सुने है स्टूडेंट्स, सिमेट्री मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स को प्रूव करने के लिए जो कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए जो है इसको अगर हम ये अगर अपने ट्रांसपोज की इक्वल है फिर तो ये सिमेट्री होता है। सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि जैसा मेरा हाफ इस साइड है वैसे मेरा हाफ साइड इस साइड है, यानी कि ये मेरी बॉडी जो है हाफ इधर की और उधर सिमेट्री है। अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करूँ, सेम अगर आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करो अभी आप देखें कि क्या जैसे इधर वैसे इधर है, हाँ है ऐसा, ओके तो इनकी सिमेट्री है। बट हम इसे मैथमेटिकली प्रूफ भी करना है। सेम इसकी सिमेट्री क्या कह रहा है कि जैसा इधर है वैसा इधर भी होना चाहिए, बस लेकिन जो इधर है और इधर इन दोनों में जो निगेटिव और पॉजिटिव साइन का फर्क होना चाहिए। कैसे होना चाहिए इसको सिमेट्री प्रूफ करने के लिए हमें हम यह ट्रांसपोज ऑफ ए लेते हैं, और ट्रांसपोज ऑफ ए लेंगे हम क्या जाएगा ये 1-1 5 -1 2 1 5 1 3। अब ये सीन नहीं है, यानी कि इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ ए, सो ए इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स ये सिमेट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी सिमेट्री क्या करेंगे हम ट्रांसपोज ए लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू 0-1 1 फिर 1-0 1-0 -1 देन फिर -1 -1 1 0 ये आ गया, ओके ये हमारा मैट्रिक्स आ रहा है। अब देखो ध्यान से, अगर इस मैट्रिक्स को अगर मैं इस मैट्रिक्स में माइनस कॉमन ले लूँ तो सेम लिया जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको ए को सीखूँ -0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 ओके ये क्या हो जाएगा मेरा ट्रांस का भी वस्तु माइनस का ए ये आ रहा है। और जब ये कंडीशन आ जाए तो क्या लिखेंगे, सो ए इज अ इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स। तो जहां भी आपको ये सिमेट्री और इसकी सिमेट्री प्रूफ करना है ऐसी करोगे तो ये क्या हो गया हमारा इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स। आई होप आप लोग सुन आ रहा हो कि अगर ट्रांसपोज ऑफ ए एक इक्वल है तो सिमेट्री मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज ऑफ ए अगर माइनस एक इक्वल है तो ये हो गया इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स। इस स्टेप से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 फॉर द मैट्रिक्स ए को दिस वेरीफाई करो कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए जो है एक सिमेट्री मैट्रिक्स है। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट करता हूं इसका एंड आपको सेकंड पार्ट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या है हमारा ए है वो है 1-6-5-7-9 फर्स्ट प्रूफ करना है दैट इज ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ए तुम्हारा 1-6-5-7 होगा और ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा 1-6-5-7 इसको ऐड करो 1-1-2 5-6-11 6-5-11 और ये 14। देखो दोनों एलिमेंट सेम है, ओके तो यानी कि ए प्लस ए हमारे क्या है इसको ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए प्लस ट्रांसपोज तो क्या होगा सेम मिलेगा 2-14-11-11 लिखोगे हैंस ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए इसके इक्वल है। सो वही स्टेटमेंट की एक सिमेट्री मैट्रिक्स है, ऐसे इसकी सिमेट्री करके हम ए प्लस जो मैच कर लेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड ए और फाइंड हाफ ए प्लस बी एंड ए प्लस ए माइनस ट्रांस ऑफ ए व्हेन ए इक्वल्स टू। अब ए दिया हुआ है ट्रांस ऑफ ए आप निकालोगे उन्हीं को ऐड और सबट्रैक्ट करना है, ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10
करके एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर द सम ऑफ अ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि जो एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर द सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है इसको सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी कुछ हमारे एट में आपने पढ़ा है कि ए और ट्रांसफॉर्म ए को ऐड करते हैं तो सिमेट्री होता है, और ए में से ट्रांसफॉर्म ए माइनस करते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्री होता है। यानी कि इस मैट्रिक्स को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ट्रांसफॉर्म ए प्लस ए ए माइनस ट्रांसफॉर्म ए। ये सिमेट्री हो गया, ये स्क्यू सिमेट्री हो गया। तो ये तुम्हारा सिमेट्री है, ये स्क्यू सिमेट्री है। तो अब हमें ट्रांसपोज़ ए फाइंड करना है, इनको ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है और वैल्यू में पुट करनी है। तो कैसे होगा, ट्रांसपोज़ ऑफ ए ये हो जाएगा हमारा 3 1 5 -1। ओके, अब ए इक्वल टू करेगा हमारा हाफ ऑफ क्या है ए प्लस ए, चलिए ट्रांसपोज़ वाला निकाल लेते हैं, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए यानी कि 3 1 5 -1 प्लस 3 1 -1 5 ये हो जाएगा 6 6 6 -2। ओके नेक्स्ट है ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 5 -1 3 5 1 -1 ये जाएगा आपका क्यू से 0 5 1 देखो 4 1 5 -4 -1 +1 0। ओके ये आ गया पास। अब इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है तो क्या हो जाएगा हमारा ये ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ फर्स्ट ये 6 6 6 -2 देन प्लस हाफ ऑफ फिर ये 0 -4 4 0। ओके ये आ गया। अब इसको पहले हाफ से मल्टीप्लाई करने कर लिए क्या आ जाएगा ये 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। अब ऐड करो 3 प्लस 0 3 3 प्लस 2 5 1 -1 तो ये हो गया हमारा आंसर। इस टाइप से आप सभी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। ए ट्रांसपोज ऑफ ए लिया हमने, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, इन दोनों वैल्यू को फिर यहाँ पुट कर दो आपका आंसर आ जाए। जी जी जो है ना ये मतलब सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन एट के सारे पार्ट्स आपको ऐसे करने हैं। देन 11 कह रहा है कि चूज द राइट आंसर इन इट्स 11 एंड 12 इफ एन बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ओके देन ए बी में से अगर हम बी ए को माइनस करें तो हमारा आंसर आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कह रहा है कि अगर इफ ए हमारे ए है, ए प्लस मतलब ए इक्वल्स टू आई है, तो इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज की अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत ईजी है, आपको ए और ट्रांसफॉर्म ए को ऐड करना है इक्वल में 1 0 0 1 यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स रखना है। वो रखने के बाद आपको ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बन जाएगा, उससे आपको अल्फा की वैल्यू निकालना है, ये आपको अपने आप करना है। ओके स्टूडेंट्स,